सब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम होगी? आप भी वैक्सीन लगवाना है तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। गैस आज मैं जा रहा हूँ वैक्सीन लगवाने, एक भैया जा रहे हैं और तो उन्होंने मेरे को कॉल किया कि मेरे साथ चल, तो अभी वो मेरा रोड पे वेट कर रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। तो गैस हमारे भैया जी आ चुके हैं। भैया हाय बोल दो आप। हाय। तो चलें फिर, आज हम दोनों जाएंगे वैक्सीन लगवाने। हम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लखनपुर में जाएंगे वैक्सीन लगवाने के लिए। तो अभी 10 बजने वाले हैं, हम लेट हो गए हैं शायद, तो अभी देखते हैं कि नंबर आएगा या नहीं आएगा। सब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम होगी? अभी बोल रहे हैं कि यहाँ पे आज छुट्टी है मोहर्रम की, हमें पता नहीं था, हम सीधे आ गए यार। और भी आए हमारे गांव के लोग, वो भी वापस चले गए, उन्होंने बताया कि आज छुट्टी है, अब तो कल ही आना पड़ेगा। अभी हम ढूंढ रहे हैं कॉफी वाली शॉप, वो है बेक एंड फ्लेक, बंद है, बंद है बेक एंड फ्लेक में। हमने कुछ खाना पीना था लेकिन ये बंद है। अब कहाँ चले हैं? अब उधर चलते हैं, अभी कोई और रूम। हो रहा है कॉफी पीनी है तो कॉफी पीने चलते हैं उधर। है ए भैया एक और मिनट चिकन गाँव के खाए, ये भी हमारे गांव से ही हैं। अभी हम यहाँ पे बैठे हैं कॉफ़ी पीने के लिए, सो कॉफ़ी पियेंगे थोड़ी थोड़ी, उसके बाद घर को जाएंगे। कॉफ़ी आ गई हमारी। आप भी वैक्सीन लगवाना है तो इनको भी नहीं पता था छुट्टी है और आपको भी नहीं पता था। देखो बड़े बड़ों को नहीं पता कि आज छुट्टी है तो हमें क्या पता होगा। कॉफ़ी अभी हमारी बस निकलने वाली है और हम बस को पकड़ने वाले हैं। वो भैया स्कूटी लेके अपनी शॉप पे चले गए, इसलिए मैं बस में जा रहा हूँ। अभी मैं बस में से उतर चुका हूँ और अभी घर जाना। बहुत डांट पड़ने वाली है मेरे को मम्मा से, वो बोलेंगे तेरे को पता नहीं था कि छुट्टी है। तो अभी भाई आपका भाई डांट वांट खा के मस्त एकदम मुँह बना के बैठ चुका है इधर। मम्मा अभी बाहर है किचन में, बहुत डांट पड़ी भाई, इतनी डांट बोलते हैं कि आप पढ़े लिखे हो कि आपको इतना नहीं पता किस दिन छुट्टी और किस दिन नहीं। यार पहले जब कोरोना नहीं था तो सब पता होता था किस दिन छुट्टी है किस दिन क्या है। जब से कोविड आया ना सारा कुछ बंद हो गया, हम डेट का याद नहीं रहता कौन सा डे है, डेट याद नहीं रहती, छुट्टियाँ भी याद नहीं रहती, इसमें अब हमारी क्या गलती है। सो भाई फ्रिज तो हमारी दुकान पे ख़त्म हो चुकी है, नहीं तो हर बार की तरह इस बार भी फ्रिज पीते, लेकिन अभी स्लाइस का सहारा लेना पड़ेगा। और बाकी दूसरी कोल्ड ड्रिंक मैं कोई पीता नहीं हूँ, मैं सिर्फ स्लाइस या फिर फ्रिज वगैरह ये जूस पीता हूँ, रेल वगैरह। बाकी कोल्ड ड्रिंक छोड़ दी है 2 सालों से बिल्कुल ही, क्योंकि पहले मैं काफ़ी ज़्यादा मोटा हो गया था। फ्लावर्स अभी थोड़े दिन पहले मम्मा ने लगाए थे, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, छोटे छोटे हो गए हैं और लग गए हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। दोस्तों ये जो आप खेत में खेती देख रहे हो
ये उड़द की दाल होती है जिसको हम अपनी भाषा में माँ की दाल भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको ब्लैक ग्राम बोलते हैं। और ये जब बड़ी हो जाएगी फिर ये पकेगी, यहाँ से दाल निकलती है यानी कि ब्लैक ग्राम पल्सिस निकलती है यहाँ से। तो वो जो आप सामने पहाड़ी देख रहे हो ना जहाँ पे टावर लगा है, पिछले व्लॉग में मैं यहाँ पे गया था नागनी माता जी के मंदिर। और आज के व्लॉग में बस इतना ही, उम्मीद आपको व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, भगवान करे आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।